संसद का मानसून सत्र सोमवार 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये मानसून सत्र इस सारी वैश्विक महामारी के अंदर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी है, कठिन भी है, लेकिन हमें संवैधानिक दायित्वों को भी पूरा करना है। देश की जनता का विश्वास और भरोसा, देश के लोकतंत्र के मंदिर के प्रति और बड़ा है। हमारी कोशिश है कि संसद जनता के प्रति जवाबदेह बने और उनकी आशा और आकांक्षाओं को हम पूरा कर सकें, क्योंकि ये देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है। और चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ हमें देश की जनता को सुरक्षित भी रखना है, और संसदीय कार्यक्रमों को पूरा भी करना है। ये संसद का यह सत्र एक ऐतिहासिक सत्र इसलिए होगा कि संसद के अंदर हम इस महामारी के समय संपूर्ण सत्र को व्यापक सुरक्षा इंतजामों के तहत चला सके। हमारी कोशिश ये कि कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम इस सत्र को चलाएं। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने इस कोविड महामारी के समय अपने अपने क्षेत्रों के अंदर सामाजिक दायित्व निभाएं, जनता की सेवा किए, अब संसद में उनको संवैधानिक दायित्व निभाना है। और जिस तरीके से उन्होंने इस संकट के समय जनता के साथ खड़े रहे, मुझे आशा है कि संसद में भी इसी तरीके से वो देश हित और राष्ट्र हित में सकारात्मक रूप से अपनी बात को रखेंगे। और जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है उन पर सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, वाद विवाद हो, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, ये हमारे लोकतंत्र की जीवंत आत्मा है। और इसीलिए इस सत्र के अंदर हमारी कोशिश है कि हम सारे विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। इसके लिए जो भी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम हैं, स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन है, उसके लिए हमने सभी राजनीतिक दलों से, विशेषज्ञों से लगातार हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल,
ने भी लगातार चर्चा की है और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद मुझे आशा है कि हम सफलतापूर्वक तरीके से संसद के सत्र को चला पाएंगे, क्योंकि इस सत्र को हमने 14 सितंबर से शुरू किया है। 14 सितंबर को सुबह 9 बजे से लोकसभा का सत्र शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। 14 सितंबर के बाद लोकसभा का सत्र 3 बजे से चलकर शाम को 7 बजे तक चलेगा। ये समय 4 घंटे का रहेगा, क्योंकि हमारे यहां पर लोकसभा में नियम है कि लोकसभा के इस सभा कक्ष का अगर कोई भी उपयोग करना हो तो नियम 384 के तहत हमें सदन से अनुमति लेनी पड़ती है और इसीलिए सदन का पहला सत्र सुबह 9 बजे से शुरू होगा और अन्य दिनों दूसरी पारी में शुरू होगा। इस बार का सत्र, क्योंकि जिस परिस्थिति में हो रहा है उस परिस्थिति में शून्यकाल न होगा, लेकिन अतारांकित प्रश्न सदन पटल पर रखे जाएंगे, शून्यकाल स्पेशल मेंशन आधे घंटे के लिए होगा जिसमें सभी मान्य सदस्य अपनी बात रख पाएंगे। अन्य गैर सरकारी कार्य के लिए हम सदन में चर्चा कर और प्रस्ताव पारित करेंगे। सदन सोशल डिस्टेंसिंग से हो और उसके साथ संपूर्ण दिशा निर्देश भी हों, इसके लिए लोकसभा के अंदर जो सभा कक्ष है उस सभा कक्ष के अंदर नीचे का सभा कक्ष जिसमें 257 मान्य सदस्य बैठ पाएंगे, दर्शक दीर्घा के अंदर भी मान्य संसद सदस्य बैठेंगे, उसमें 172 सदस्य बैठेंगे और राज्यसभा के चेंबर में 60 और राज्यसभा की गैलरी के अंदर 51 में सदस्य होंगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सदन एक साथ चलेगा। जो व्यक्ति जो माननीय सदस्य राज्यसभा में बोलेंगे उसका लाइव लोकसभा के सभा कक्ष में भी होगा और राज्यसभा के सभा कक्ष में होगा। इसके लिए दोनों सदनों के अंदर स्क्रीन के अंदर एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा दोनों दिखेगी और केंद्रीय कक्ष में भी हमने इसी तरीके से एलईडी की व्यवस्था की है। दोनों चेंबरों के अंदर मार्शल हॉटलाइन होंगे, जो मान्य सदस्य जब लोकसभा के कक्ष सभा कक्ष से चल रही हो, अगर मान्य राज्यसभा में बोलना चाहता हो तो वर्चुअल रूप से भी वो लोकसभा के अंदर बोलता हुआ नजर आएगा। हमने लोकसभा के अंदर पूरी सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट की शीट लगाई है ताकि हम कोविड-19 के
दिशा निर्देशों की पालन करते हुए संक्रमण से बचा सके। सभी जगह लोकसभा के पूरे परिसर को हम लगातार सैनिटाइज करेंगे। संसद भवन में सभी जगह हमने टचलेस सैनिटाइजर मशीन लगाई है। जूतों को में संक्रमण न हो इसके लिए भी हमने विशेष फुटमेट लगाए। अन्य जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है, जो गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की है, उस गाइडलाइन के तहत व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। और हमने कोशिश की है कि सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है कि वह अपना अपना टेस्ट निश्चित रूप से कराएं। उसके लिए टेस्ट भी कराएंगे और उसके साथ साथ सभी कर्मचारी अधिकारी जितने भी लोग हैं उन सबका हमने टेस्ट कराने का निर्णय किया है। सभी माननीय सदस्यों का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, जो अन्य अधिकारी हैं जो इस लोकसभा भवन के बाहर की साइड बैठेंगे उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो चुका है। और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों का, ज्यादा से ज्यादा अंदर आने वाले जिसमें सभी आप पत्रकार साथी हैं, उनका भी हम आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे ताकि लोकसभा का पूरा परिसर व्यापक सुरक्षा इंतजामों के साथ हो सके। लोकसभा के अंदर इस सारे संकट के समय भी, विपरीत परिस्थितियों के समय भी 27 संसदीय समितियों की 91 बैठक सभी माननीय सदस्यों ने की। संसद का काम सुचारू रूप से इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी सभी संसदीय समितियों ने अपने दायित्व को निभाया और सुरक्षित रूप से सभी संसदीय समितियों की मीटिंग हुई। मैं इसके लिए सभी संसदीय समिति के चेयरमैन, उनके सभी सदस्यों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस विपरीत संकट के समय भी देश हित राष्ट्र हित के अंदर अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन किया। हमारी इस बार कुछ कोशिश है कि हम कम से कम कागज का उपयोग करें, इसलिए सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह किया हमने कि डिजिटल तरीके से वो अपने कागज को भेजें। पिछली बार के सत्र में हम 62% तक डिजिटल कर पाए थे। हमने कोशिश की है कि 100% डिजिटलकरण करेंगे और 100% पत्राचार हमारा डिजिटल से होगा, जिसमें विशेष रूप से विधायी कार्य, शून्यकाल जो भी होगा। और मुझे आशा है कि इस बार 100% लोगों ने अपने प्रश्न डिजिटल रूप से भेजे। ये भी एक लोकसभा के अंदर पहली बार हुआ है और इसके परिणाम भी ठीक आए हैं।